सो हे मेरे प्यारे ट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज लास्ट वार्निंग देने वाला हूं पायल जोन, क्या है आपने जो यूट्यूब पे ना गंद मचा के रखा है ना, हद हो चुकी है। जब सुबह उठता हूं, शाम को सोता हूं, तो बस आपके ही चैनल के बारे में ख्याल रहते हैं। पता नहीं आज किस यूट्यूबर की उन्होंने बैंड बजाई होगी, क्या उस यूट्यूबर को बोला होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके मन में भी यही रहता है कि अभी लड़की किसका नंबर लगाने वाली है, इस लड़की को कितने व्यूज आ रहे हैं। फाइनली जब मैं इनकी वीडियोस देखता हूँ तो उनके एवरेज वीडियोस के ऊपर 20, 25, 40, 50, 1-1 लाख व्यूज हो चुके हैं। और फाइनली मैं सोचता हूँ यार कि कुछ करना भी नहीं है, जस्ट किसी एक यूट्यूबर के बारे में हमने उसका टाइटल देना है, उसका फोटो लगाना है और उसके बारे में हमने करनी है बक बास, कुछ भी उसके बारे में हमने बोले जाना है, कुछ भी बोल दो चाहे, क्योंकि पता है किसी का हम कंटेंट यूज ही नहीं कर रहे, कोई हमें कॉपीराइट भी कैसे देगा। सीधी सी बात है, जैसे वो वीडियोस बनाते हैं पायल जोन, कुछ करते ही नहीं है, जस्ट अपने कोई इनके एक दो वीडियोस देख ली किसी बंदे की और उसको लपेट दिया और उसके बारे में कुछ भी बोल दिया। और हर किसी के बारे में ये चीज होती है कि कोई ना कोई बंदा मिस्टेक करता है, और किसी के बारे में कोई भी वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और चैनल तो बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो कर लिया है, आप सभी लोगों को भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जब कुछ भी ना हो तो बुराई सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है। किसी को रोस्ट करना, किसी को एक्सपोज करना, मैं उसको जेल भेजूंगी। और उनके मैक्सिमम थंबनेल में सिर्फ यही शक्ल रहती है, पहले किसी बंदे को रोस्ट करना तो ऐसे मैं इसको जेल भेजूंगी, इसका चैनल डिलीट करो, और फिर बाद में आई एम सॉरी, इस तरह की शक्लें बनाते हैं वो। उन्होंने तो मजाक बना के यूट्यूब पे उन्होंने मजाक बना के रखा है यार। जैसे किसी को रोस्ट करना है अच्छे से करो, नो डाउट, मत डरो, कमेंट सेक्शन ओपन रखो, किसी की गालियां सुननी है सुनो अगर हिम्मत है तो। और वैसे दिल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इतनी गालियां जब हम किसी की सुनेंगे। और जब रोस्ट करना है कर दो, ठीक है रोस्ट करना है कर दो, फिर बाद में ऐसे हाथ जोड़ने का मतलब ये है कि उस वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज आ गए हैं और उस बंदे के रिगार्डिंग 2-4 वीडियोस हमें बनानी पड़ेंगी। क्योंकि पायल जोन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं, और उस वीडियो के ऊपर 3,000 से ज्यादा व्यूज आए। तो मुझे लगा यार ये टॉपिक काफी ज्यादा डिमांडिंग है और ये पायल जोन के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे, नेचुरल सी बात है, और उस लड़की का हम नहीं चढ़ेंगे। और बहुत खतरनाक उन्होंने चीज की है कि चैनल ऑलमोस्ट उनको 1-2 हजार व्यूज आते थे, लेकिन अब उनके हर वीडियो के ऊपर 20,000 व्यूज आ रहे हैं। तो उन्होंने काफी बड़ी एक अचीवमेंट कर ली है और लोग उनको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने उनके सब्सक्राइबर्स देखे तो उनके सब्सक्राइबर 32,000 से ऊपर थे, क्योंकि ग्लिच हो गया है एक, तो उस ग्लिच में जब हम किसी के कम्युनिटी टैब में जा रहे थे तो वहां पे हमें उसके सब्सक्राइबर दिख रहे थे। तो उस टाइम मैंने उनके सब्सक्राइबर देखे थे, 32,000 उनके सब्सक्राइबर थे। तो कौन है ये 32,000 लोग जिन्होंने इस महानुभाव को सब्सक्राइब करके रखा है, अपने भी यूट्यूब चैनल पे है लेकिन बहुत सारे बंदे सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। बजा दो घंटी, किसी का भला हो जाएगा। घंटी बजाने से, मंदिर में सभी घंटी बजाते हैं लेकिन यूट्यूब पे घंटी बजाने से बहुत फायदा होता है। तो आप भी इस चीज को करो और बताओ यार किस किस के मन में, मेरे दिमाग में सुबह से शाम यही चीज रहती है कि उसने किस बंदे की ले ली होगी अच्छे से। बहुत दुखी हो चुका मैं कसम से, खत्म करो यार, खत्म करो, हद हो चुकी है उनके चैनल पे इतनी वीडियोस देख के। पूरे दिन सुबह रात बस मन में एक ही ख्याल, पायल जोन ने किसकी ली होगी, किसकी ली होगी, बस हद हो चुकी है, बहुत ज्यादा हद हो चुकी है। सो लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ पायल जोन आपको, ये जो आप काम कर रहे हैं ना इसको बंद कर दो, बहुत हो चुका है। हाँ छोड़ता हूँ, गुस्से से नहीं प्यार से मान जाओ यार, प्लीज बस करो, और हम नहीं सह सकते, दिल के मरीज हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और बताइए अपने, क्योंकि पायल जोन का जो कमेंट सेक्शन है वो तो बंद रहता है, सो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि हर दिन हर रात उनका ख्याल रहता है, बस क्या वो कर रहे होंगे। सो बताना कमेंट करके जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया घंटे बजा देना, माता का आशीर्वाद सबको मिलेगा, बाबा जी का भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, पीस। Like a Hellcat.